अनुभव चोपड़ा, क्षितिज प्रसाद, ये दो नाम जरूर सामने आ रहे हैं एनसीबी की तरफ से, वो भी ड्रग केस में। और ये दोनों नाम अनुभव सिन्हा और क्षितिज प्रसाद ये जुड़े हुए हैं धर्मा प्रोडक्शन से। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में जैसे ही खबरें आनी शुरू हुई वैसे ही करण जौहर ने अपने पर तीर चलते देख अपना स्टेटमेंट जाहिर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 3 महीने से चुप रहने वाले सुशांत के केस पर जस्टिस की गुहार भी नहीं की, रेहा के बारे में कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप मुंबई से गोवा निकल लिए, ठीक है, एक हफ्ते पहले। करण जौहर ने अब स्टेटमेंट जाहिर किया है कि अनुभव सिन्हा 2011 में ज्वाइन किए थे धर्मा प्रोडक्शन, वो फिल्म जब शूट होती ना उसके सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और उसके बाद एक शॉर्ट फिल्म में वो साथ देते हुए नजर आए, इसके अलावा उनका कोई ज्यादा रोल नहीं है। वहीं क्षितिज प्रसाद जो है वो 2019 में धर्मा प्रोडक्शन की सिस्टर कंपनी यानी छोटी कंपनी धर्मेटिक एंटरटेनमेंट में ज्वाइन हुए थे, और कोई प्रोजेक्ट को लेकर ज्वाइन हुए थे, वो प्रोजेक्ट कभी मेटेरियलाइज हुआ नहीं, यानी कि वो प्रोजेक्ट कभी बना नहीं है, उसके बाद उनको निकाल दिया गया 2 महीने के बाद। तो कुल मिला के ये दोनों का कोई सदोकार या कोई नाता नहीं है धर्मा प्रोडक्शन से, और ये पर्सनल लाइफ में क्षितिज प्रसाद और अनुभव ये दोनों क्या करते हैं उसका कोई लेना देना नहीं है करण जौहर से, करण जौहर के फैमिली से, या करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से। ये करण जौहर ने साफ स्टेटमेंट में जाहिर किया, और मीडिया जिस तरह से उन पर एक के बाद एक तीखे वार कर रही है, उन पर कहना है करण जौहर का, अगर मीडिया अभी भी शांत नहीं बैठी तो हमें लॉ का अपना एक्शन लेना पड़ेगा, लॉफुली हमें इस चीजों पर बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा 2019 में जो पार्टी हुई थी जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी सफाई दे चुका हूं 1 साल पहले, ऐसा उनका कहना है, और उसमें कोई किसी तरह का ड्रग कंजप्शन नहीं हुआ है। ये करण जौहर ने साफ साफ कहा है कि करण, क्योंकि साफ उनको स्टेटमेंट देना जरूरी था, मिलाकर साफ कहना है कि करण जौहर का कि भाई अगर उनके खिलाफ मीडिया वाले अभी भी जहर उगलेंगे तो वो लीगल तरह से इसकी कार्रवाई करेंगे और उसके बाद किसी को नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद करते हैं हम कि जिस तरह सलमान खान ने सवाल उठाया था और मीडिया को कुछ 2-3 घंटों में सॉरी बोलना पड़ा था, ऐसे ही करण जौहर को लेकर भी मीडिया सॉरी बोले, बट मुझे ऐसा लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि केस ऑलरेडी चल रहा है। दीपिका पादुकोण जो उस पार्टी में शामिल थे उनसे पूछताछ चालू है, कैसे लोगों से पूछताछ चालू है, तो ऐसे में बहुत मुश्किलें सामने आ सकती है वो भी करण जौहर के लिए। आपकी क्या राय है करण जौहर के बारे में कि भाई अपने पे आई तो भाई बोलना चालू कर दिए करण जौहर ने, अदरवाइज अभी तक चुप्पी साधे थे, इस बारे में क्या कहना है, और ओवरऑल ड्रग मैटर के बारे में क्या कहना है, क्या करण जौहर का कहीं इन्वॉल्वमेंट है या फिर नहीं, जरूर बताइएगा। बाय बाय।